ईयर 2040, एक 27 साल का लड़का अपने काम से घर आता है और आते ही अपने VR हेडसेट को पहनता है। उसके AI सर्च बार में लिखते हैं, मैं एंशियंट इंडिया का एक राजा हूँ। मेरे राजमहल में 20 यंग खूबसूरत लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ रात बिताने के लिए और सेक्स करने के लिए बेचैन है, क्योंकि मैं इंडिया का सबसे ताकतवर और हैंडसम लड़का हूँ। इन लड़कियों में रशियन, इटालियन और चाइनीज होना चाहिए। 7 लड़कियां मेरे पास आता है, मेरे बॉडी को किस करता है और मेरे साथ चरम सुख के दुनिया में खो जाता है। बाकी 13 लड़कियां ये सब देख रही हैं और बेचैनी से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। इन 13 लड़कियों के चेहरे में एक जलस भाव दिखना चाहिए कि क्यों उन्हें छोड़ के बाकी 7 लड़कियों को मेरे साथ पहले सेक्स करने का मौका मिला। इसका भी ध्यान रखना कि ये सारी लड़कियां मुझे महाराज कह के पुकारे और ये सारे सफेद सेक्सी ड्रेस पहने हुए होना चाहिए। रेजोल्यूशन 16K, व्यू VR 360। कुछ 3 से 5 मिनट के बाद ये फोटोग्राफिक सीन रेडी होता है। अचानक से वो लड़का खुद को मुगल एम्पायर के राजमहल में पाता है। वो खुद राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। महल का पूरा डिटेल्स एडवांस AI इंजन द्वारा बनाया गया है। वो अपने VR हेडसेट के साथ थोड़ा ऊपर देखता है और सीलिंग के डिटेल्स डिजाइन देखकर दंग रह जाता है। वो दाएं बाएं नीचे चारों तरफ का डिटेल्स देखता है। अचानक से कुछ खूबसूरत अर्धनग्न लड़कियां एक एक करके कमरे में आने लगता है। ये लोग बेचैन है अपने महाराज से मिलने के लिए, उनके साथ रात बिताने के लिए। इनमें से 7 लड़कियां आगे आके उस पे कूद पड़ता है और उसे किस करने लगता है और ये सीन धीरे धीरे और भी सेक्सुअल होने लगता है। लेकिन वो 27 साल का लड़का अपने कमरे में अकेला है अपने VR हेडसेट को पहने हुए। उसका आंखें खुला हुआ है और ब्रेन ह्यूज अमाउंट में डोपामाइन रिलीज कर रहा है, लेकिन असल जिंदगी में उसे कोई लड़की भाव नहीं देती। उसका हाइट 5 फीट है और वजन 110 किलो। वो पोर्नहब पर मंथली 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन फी पे करता है, जिसके बदले में उसे पोर्नहब AI जनरेटर का अनलिमिटेड यूजेस मिलता है। क्या उसका कोई गोल है, जिंदगी का कोई मकसद है? लगता नहीं। वो तो अपने हेल्थ का भी फिक्र नहीं करता। वो काम पे जाता है अपने खाना, घर का किराया और पोर्नहब के मंथली AI सब्सक्रिप्शन के पैसे के लिए। AI पोर्न अपने डेवलपिंग फेज में है। अभी के टाइम पे ये सिर्फ इमेज क्रिएट कर सकता है, लेकिन आगे जाके ये वीडियो भी क्रिएट कर पाएगा और उसके बाद ये वर्चुअल रियलिटी में भी अवेलेबल होगा। पहले ये सर्विस फ्री होगा, बीच बीच में वीडियो रेंडर होगा, कुछ ग्लीचेस आएंगे, लेकिन इन ग्लीचेस टाइम पे भी ये बहुत से लोगों को अपना एडिक्ट बना चुका होगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा और AI सीखता जाएगा, ये ग्लीचेस पूरी तरीके से फिक्स हो जाएंगे। बट ये VR सेटअप बहुत महंगा आता है। अगर आप इसे परचेस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ साइबर कैफे में ये भाड़े पे मिल जाएगा। आपको बस घंटे के हिसाब से कुछ फी पेमेंट करनी है और इसके बदले आप इस वाइल्ड एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हो। जैसे जैसे टाइम बीतेंगे, इन पोर्न साइट पर रियल लाइफ वीडियो से ज़्यादा AI पोर्न ज़्यादा पोस्ट होने लगेंगे। इन AI पोर्न जनरेटर से आप आपका खुद का वीडियो भी बना सकते हो। आपको बस आपका एक फ़ोटो अपलोड करना है और बिल्कुल ChatGPT या Midjourney की तरह थोड़ी डिटेल में अपने पसंद के अनुसार एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है और AI वो वीडियो जनरेट करके दे देगा। तुम ये प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, मैं और एक खूबसूरत लड़की बादलों के ऊपर बैठे हुए हैं, हम दोनों ही परी हैं, हम दोनों के पास पंख हैं और हम उड़ सकते हैं। वो लड़की मुझसे भाग के दूर जाने लगता है, लेकिन मैं उससे तेज उड़ सकता हूँ और उसे पकड़ लेता हूँ और उसके बाद हम सेक्स करने लगते हैं। पहले वो लड़की मुझे रोकती है, लेकिन बाद में उसे भी ये पसंद आने लगता है और 15 मिनट तक हम अलग अलग पोजीशन पे सेक्स करते हैं। और आप इसे 3D हेंटाई स्टाइल में भी बना सकते हो। उसके लिए आप लिख सकते हो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं रात में एक घर में घुस जाता हूँ जहाँ पे एक खूबसूरत लड़की अपने बेड पे सो रही है। अचानक से उसकी नींद खुलती है और मुझे देखकर भागने लगती है, लेकिन मैं उसे पकड़ लेता हूँ और सेक्सुअली सीड्यूस करने लगता हूँ। वो पहले मुझे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे ये पसंद आने लगता है
लड़की जापानीज होगा तो नीचे सबटाइटल होना चाहिए। व्यू VR 360 रेजोल्यूशन 16K AI पॉर्न जनरेटर के साथ वो हर एक सेक्सुअल फैंटेसी जो सिर्फ सपनों में देखा जा सकता है वो क्रिएट करना पॉसिबल होगा। पहले ज़्यादातर लोग रियलिस्टिक सिनेरियो को ही चूज करेंगे, रियलिस्टिक कंटेंट बोरिंग होने लगेंगे और लोगों के टेस्ट और पसंद बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि AI पॉर्न सिर्फ लड़के ही यूज़ करेंगे तो आप गलत हो। लड़कियाँ भी AI के ज़रिए अपने NPC सेक्स पार्टनर क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल एक नोवेल की तरह वो लिख सकती है, मैं अपने कमरे में एक लड़के के साथ खड़ी हूँ, उसका नाम विराट है। वो एक किसान का लड़का है और उसका बचपन खेत में काम करते हुए बीती है। खेत में काम करने के वजह से उसका बॉडी मसल्स मजबूत हो चुका है। वो सिर्फ 16 साल के उम्र में अपने घर छोड़ देता है और धीरे धीरे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। हालांकि वो अब सूट पहनता है, लेकिन तुम उसके टाइट मसल्स को देख सकते हो उसके सूट के अंदर से। वो देखने में एलिगेंट, क्लासी, रेस्पेक्टफुल है, बट तुम जानते हो उसके अंदर एक जानवर छुपा हुआ है। तुम जब भी सुन रहे हो AI जनरेटेड गर्ल्स, तुम सोच रहे होंगे कि वो कुछ ऐसा दिखता होगा, लेकिन फ्यूचर में वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन AI पॉर्न के अंदर आप रियल ह्यूमन बीइंग भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी या फिर आपका कोई पसंदीदा लड़की जिसे आप कभी पा नहीं सकते। लड़के लड़कियों के अंदर जो भी चीज़ देख के सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, जैसे कि 28 का कमर, क्लियर स्किन वगैरह वगैरह, वो सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। उनके स्किन हाईली डिटेल्ड होगा और वो आपके साथ डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट भी करेगा VR स्पेस के अंदर। रियल ह्यूमन और AI पॉर्न जनरेटर द्वारा क्रिएट किया गया कैरेक्टर में आप बिल्कुल भी फर्क नहीं ढूंढ सकते। ये एक सुपर नॉर्मल सिमुलेशन है। उससे भी आगे VR हेडसेट के साथ अदर सेक्स एक्सेसरीज भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशलाइट। ऑन स्क्रीन जो भी सीन चलेगा उसी को मेजर करते हुए ये भी अप एंड डाउन मूव करेगा और आपके एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। AI पॉर्न तुम्हारे नीड्स को खुद से ही सीख सकता है और खुद से ही तुम्हारे लिए कंटेंट जनरेट कर सकता है, सिर्फ तुम्हारे प्रॉन्ट्स के हिसाब से नहीं, बल्कि ये एनालाइज करके कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। AI पॉर्न तुम्हारे सेक्सुअल नीड्स को सीखते सीखते इतना जान जाएगा कि तुम खुद अपने बारे में उतना नहीं जानते, और तब ये आपकी सेक्सुअल फैंटेसी को एब्सोल्यूट पीक तक क्रिएट कर पाएगा। तो पॉर्नहब को ही क्यों AI पॉर्न जनरेटर पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वही मेजर पॉर्न कंपनी कमाएगा जो इसे सबसे पहले बनाएगा। मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ वो इस पे ऐड चला के करोड़ों लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकता है। पॉर्न कंपनी इसे जितना ज़्यादा हो सके एडिक्टिव बनाने की कोशिश करेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस पे चिपके रहें। इन AI पॉर्न की वजह से आपके ब्रेन में इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो शायद आपको रियल सेक्स में भी ना मिले। एज ए रिजल्ट लोनलीनेस और भी बढ़ने लगेंगे। कुछ लोग इस करंट सिचुएशन को मानना नहीं चाहेंगे और भगवान से ये आशा करेंगे कि काश वो टाइम पे पीछे जा पाते और इसे इन्वेंट होने से ही रोक पाते, बट बाकी लोग इसे जस्टिफाई करेंगे। तुम ऐसे सेक्स क्यों करोगे जबकि AI पॉर्न में इतने सारे ऑप्शन मौजूद है? तुम रोज़ रोज़ अपने बोरिंग घर पे, अपने बोरिंग बेड पे वही पार्टनर के साथ क्यों सोओगे? कुछ लोग इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम भले ही बंद दरवाजे के अंदर अपने फैंटेसी में जियो, तुम्हारे रियल लाइफ पार्टनर की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम इमेजिनेशन में अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते। ये सारे कंपनियां ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है, वो सिर्फ ये देखेंगे कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है। ये बात याद रखना, तुम्हारे पार्टनर के लिए तुम ही सब कुछ हो और तुम तुम्हारे पार्टनर के लिए सब कुछ हो। कोई भी फैंटेसी वर्ल्ड इसे बीट नहीं कर सकता। बाय द वे, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे पास सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।